नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 12 जो एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। और क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, और इसके लिए स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। आपको पता ही है कि डेरिवेटिव का उल्टा, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या फिर इंटीग्रल कह सकते हैं, आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन के डायरेक्टली फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं, आपको उसको डेरिवेटिव की मदद से फाइंड आउट करना है कि किसका डेरिवेटिव ये होगा और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करने से क्या चीज आएगी। इसे कहेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है साइन 2x, ये गिवन फंक्शन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सीधा इंटीग्रल लगा दो, अगर आप सीधा यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हो साइन 2x का यूजिंग फॉर्मूला, तो आपको पता ही है कि जो साइन x है इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो जो इंटीग्रल है हमारे साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और 2x का करेंगे तो जो x का कोफिशियंट होगा वो नीचे आ जाता है डिवाइड में। तो हमें पता है अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं तो इसका आंसर आने वाला है -1/2 × cos 2x। ओके, लेकिन हमें बोला है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमारे पास किसका डेरिवेटिव साइन x या साइन 2x होता है। आपको पता ही है कि हम d/dx ऑफ cos x कर देते हैं तो आपके पास माइनस में साइन x आता है ना, ये आपको पता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और अगर हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x की बात करें तो कॉस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन 2x, और 2x यहाँ पे है तो इंटू में 2 भी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे पास साइन 2x इन दोनों में से किस में आया, साइन 2x यहाँ पे आया, इसका हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो यहां से अगर हम साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 cos 2x, और यहाँ पे d/dx है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख दिया है, आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे d cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ले जाते हैं 2 को इधर डिवाइड में, माइनस भी ले आते हैं तो माइनस भी यहां लेके आ गए हम, और साथ में हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी साइन 2x dx। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो आपको पता ही है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx की क्या वैल्यू आएगी, -1/2 cos 2x। ये वैल्यू बाय इंस्पेक्शन हमने फाइंड की, और ये वैल्यू हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड की थी, दोनों ही सेम वैल्यू है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस में साइन 2x इंटू में 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आप इसको लिख सकते हो d cos 2x, यहाँ पे जो 2 था इंटू में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया, माइनस यहाँ पे जो यहाँ पे था इसको इधर भेज दिया, तो इस साइड वैल्यू आ जाएगी साइन 2x, ये dx यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। ये मैंने आपको समझाई दिया था कि इंटीग्रल और जो d है यहाँ पे जो डेरिवेटिव वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसे कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हम ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि गिवन फंक्शन किसका पहले डेरिवेटिव है और वहां से कैसे हम इसके इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है cos, ये पेन भी नहीं चल रहा ठीक से, cos 3x है ना, cos 3x, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि cos 3x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो अगर हम d/dx ऑफ sin 3x कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी। देखो आपको पता है cos का डेरिवेटिव sin होता है और जो sin है उसका cos होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको पता है ना ये वैल्यूज। तो आपको पता है कि अगर आप सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स आएगा, लेकिन कॉस एक्स का करोगे तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा। तो साइन 3x का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है cos 3x, और 3x का करेंगे तो इंटू में 3। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए cos 3x। अब cos 3x तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसके अलावा जितनी भी वैल्यू है उनको दूसरी साइड भेज देंगे, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, और ये वाली जो dx है इसको इस साइड ले आएंगे, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। तो ये वैल्यू हो जाएगी d sin 3x
अपॉन में 3, क्योंकि ये 3 हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, इज इक्वल टू कॉस 3x डीएक्स। अब हमें चाहिए भाई इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल चाहिए तो दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हमने बोथ साइड किया तो है किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो 1/3 तो आपको पता ही है यहाँ पे वैसे ही बाहर आ जाएगा, और सिंपल सी बात है डेरिवेटिव और इंटीग्रल यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाले हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो वैल्यू आ गई है साइन 3x अपॉन में 3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x डीएक्स। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना था कि जो हमारा गिवन दे रखा है कॉस 3x इस तरीके से डीएक्स, अगर आप इसका इंटीग्रल करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर आएगा 1/3 साइन 3x। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दे रखा है e की पावर 2x। अब इसको भी विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन करना है, जो आपका इंस्पेक्शन का मेथड है उसको यूज करना है, तो उसके लिए भी ये सोचेंगे कि भाई e की पावर 2x इसका डेरिवेटिव होगा। आपको पता है कि जो e की पावर x होती है अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो भी आपके पास e की पावर x ही आता है, और साथ में जो कोफिशियंट ऑफ x होगा यानी जो इसकी पावर है इसका भी डेरिवेटिव होता है, तो वही यहाँ पे हमें करना है d अपॉन dx ऑफ, अगर आप e की पावर 2x करते हो तो आपके पास e की पावर 2x तो आएगा ही, साथ में ये जो 2x दे रखा है ना इसका करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रल तो चाहिए लेकिन किसका चाहिए, e की पावर 2x का, यानी इसका चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसको इस साइड रहने देते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ 2x हमें चाहिए इज इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ d e की पावर 2x, ये 2 एक्स्ट्रा था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे dx जो था वो इस साइड चला जाएगा यानी इस तरीके से। तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों इनवर्स है कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx इसकी वैल्यू आएगी e की पावर 2x अपॉन में 2। आपको यहाँ दिखाई दे रहा फॉर्मूले से भी यही आती क्योंकि e की पावर 2x का यही रहता इंटीग्रल, और जो 2x है इसके अंदर जो कोफिशियंट ऑफ x होता है आपको पता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो यही वैल्यू आती, तो ये भी हमने कर दिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, इसमें भी हमें जो गिवन फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर, इसमें भी हमें मेथड यूज करना है इंस्पेक्शन का, तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या फंक्शन ले हम कि उसका डेरिवेटिव करें तो उसमें ये वैल्यू भी आनी चाहिए। अब आपको पता ही है कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तब होता क्या है कि एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, जैसे x का क्यूब है अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 3 तो हमारे पास फ्रंट में आ जाता है, और x की पावर क्या रहती है, 3 माइनस में 1 यानी 3x का स्क्वायर। तो आपने देखा अगर आपने क्यूब लिया तब आपको एक पावर कम मिली, ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्वायर दे रखा है, तो अगर हम फंक्शन ले लेते हैं ए एक्स प्लस में बी का क्यूब और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू हमारे पास 3 तो आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है, पावर बाहर आ जाएगी, और हमारे पास जो ए एक्स प्लस में बी का क्यूब है इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी यानी स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल सिर्फ इतने पार्ट का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस में जो बी का क्यूब है इसके साथ डी हमारे पास रहेगा, यानी चेंज इन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें सिर्फ इतने पोर्शन का इंटीग्रल चाहिए, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड इसको डिवाइड में ले जाते, डिवाइड में 3 आ गया आपके पास, और साथ ही में अगर आप देखते हो कि ये जो आपने मैंने आपको डेरिवेटिव करके दिखाया है, जो हमारे पास पावर है ये फ्रंट में आ गई, और साथ में इसकी जो वैल्यू थी उसकी पावर में से एक हमने लेस कर दी है, लेकिन जो अंदर क्वांटिटी है ए एक्स प्लस में बी इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे एक्स का जो हमारे पास कोफिशियंट है ए तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो जो ए है यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में इस साइड चला जाएगा, तो ये भी 3a यहां पे क्या हो जाएगा, होल डिवाइड में आ जाएगा, तो इस साइड वैल्यू आपके पास आ जाएगी ax प्लस में b का स्क्वायर, और ये dx इस साइड ले जाएंगे तो dx। अब हमें इस वैल्यू का चाहिए इंटीग्रल, तो दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों इनवर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से काट के आपको नहीं दिखाना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए आपको ये करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू मिलेगी, ax प्लस में b का क्यूब अपॉन में 3a और इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ax प्लस में b का स्क्वायर dx। यही आपको क्वेश्चन में बताना था कि इसका क्या इंटीग्रल आएगा विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। तो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस में बी का अगर होल स्क्वायर दे रखा है dx, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3a इंटू में ए एक्स प्लस में बी का होल क्यूब। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या दे रखा है, साइन 2x
माइनस में 4e की पावर 3x। आपने इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और आपने इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, दोनों फंक्शन कंबाइन करके दे रखे हैं। इसमें हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है, वो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और यह हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं लेट फर्स्ट पार्ट बी साइन 2x। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, फिर इसका करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो करना क्या है अब हमें, कि हमने फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लिया है कि साइन 2x है। अब सोचेंगे कि भाई क्या ऐसी फंक्शन लें कि जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो। तो आपको पता है डी अपॉन dx, अगर आप cos 2x करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, माइनस में साइन 2x आती है और इंटू में 2x का करेंगे तो 2 आता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए साइन 2x, यानी पॉजिटिव का साइन 2x चाहिए, इसका इंटीग्रल चाहिए। तो ये वैल्यू यहीं रखते हैं, बाकी वैल्यू ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा d cos 2x डिवाइड में, माइनस भी इस साइड भेज दिया डिवाइड में 2, इज इक्वल टू साइन 2x और dx। इसका इंटीग्रल चाहिए, दोनों साइड अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आएगी, कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस में 1/2 cos 2x। ये आपके पास फर्स्ट जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई, यानी इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की करेंगे, लेट सेकेंड पार्ट बी, हमने कंसिडर कर लिया है माइनस 4e की पावर 3x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक बार तो क्या करो, ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, इसको एक बार भूल जाओ, जैसे तो ये है ही नहीं। आपके पास सिर्फ वैल्यू ऐसी कंसिडर कर लो कि e की पावर 3x है, ठीक है। अब आपको पता है e की पावर 3x, अगर आपके पास d अपॉन dx दे रखा है e की पावर 3x का, तो e की पावर 3x ही आएगा। लेकिन जो हमारे पास 3x है, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू हमारे पास 3 भी आएगी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, देखो अगर आप सिर्फ इतने का इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हो ना, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x, ये वैल्यू आएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो आपको बोला है कि माइनस 4 और e की पावर 3x, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या कि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4 से, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस में 4 e की पावर 3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम इंटीग्रल में तो कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 4/3 e की पावर 3x, ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इतने का तो सेम ही रहेगा और कॉन्स्टेंट तो ऐसा ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है सेकेंड पार्ट की, ठीक है। देन इंटीग्रल ऑफ आपके पास माइनस 4 ई की पावर 3x, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस 4 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रल हो गया e की पावर 3x, और कोफिशियंट ऑफ x हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमने, ये जो मैंने आपको करके दिखाया ना, ये पोर्शन ये क्या है, इंस्पेक्शन मेथड से किया है, क्योंकि हमने पहले ये फाइंड आउट किया है कि गिवन फंक्शन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। फिर हमने क्या किया, अप्लाई किया दोनों साइड इंटीग्रेशन, तब जाके हमें ये वैल्यू मिली है। अब ये दोनों को पुट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी इंटी, आपको यहां पे दे रखा था इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 e की पावर 3x। तो इसकी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/2 cos 2x और माइनस में 4/3 e की पावर 3x, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और आगे ये क्वेश्चन लिख दिए हैं। हमें क्या करना है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6-11। आपको क्या करना है, अब आपको इनको एवेल्युएट करना है, यानी कि इनकी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन का मेथड यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला का अप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो 6 से लेकर 11th क्वेश्चन में हमें एवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 4 e की पावर 3x प्लस में 1 dx का। यहाँ पे dx का क्या मतलब है कि जो हम इंटीग्रल कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 4 e की पावर 3x dx प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 4 हमारा कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, यानी 4 आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ 3x dx प्लस में 1 dx, लिख दिया ऐसे। अब आपको पता है कि अगर आप इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax
डीएक्स करते हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ई की पावर ए एक्स तो ऐसे ही रहता है लेकिन एक्स का जो कोफिशियंट ए है वो डिवाइड में आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रल करते हैं वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू आपके पास एक्स आती है, आपको पता ही है ये, तो वैल्यू आ जाएगी फोर। इसका इंटीग्रल करोगे तो ई की पावर थ्री एक्स तो ऐसे ही रहेगा और एक्स का कोफिशियंट है थ्री तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब प्लस में वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल करोगे तो प्लस में एक्स ही वैल्यू आएगी। ये आपके पास आंसर तो आ गया है लेकिन आपको प्लस में सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी लिखना है क्योंकि जैसे जैसे आपके पास फंक्शन चेंज होंगे वैसे वैसे सी की वैल्यू भी यानी कॉन्स्टेंट चेंज होगा, हमारे पास इंटीग्रल भी चेंज होता रहेगा किसी भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफोर, ऐसे लिख सकते हो देयरफोर इंटीग्रल ऑफ फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस में वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय फोर अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें भी हमें क्या करना है, एवेलेट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कॉमन लिया गया है, अगर हम वापस से इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और इसका होल डीएक्स। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस में वन डीएक्स का। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है, बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस में वन डीएक्स। अब आपको पता ही है अगर आप इंटीग्रल करते हो एक्स स्क्वायर का तो होता क्या है कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और पावर नीचे भी आती है लेकिन उसमें भी एक ऐड हो जाता है, यानी एक्स की पावर अगर आप एन का यहाँ पे इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस में वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस में वन टू प्लस में वन माइनस में वन का आपका डीएक्स मैंने बताया था एक्स आएगा प्लस में सी हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो देयरफोर, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था ना वो लिख देते हैं देयरफोर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आपने डीएक्स के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो वैल्यू आएगी आपके पास एक्स का क्यूब अपॉन में थ्री माइनस एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर एट और आगे ही क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर भी एवेलेट करना है तो इसमें हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी डीएक्स का। तो बहुत सिंपल है ये, इसका आंसर देखते हैं। तो हमें करना क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इंटीग्रल, सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रल को तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स। अब सी भी हमारा कॉन्स्टेंट है तो यहाँ वन आ जाएगा, सी को लिख देते हैं बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, जैसे सी को लिया तो ए को यहाँ ले लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में बी बाहर ले लेंगे तो एक्स डी एक्स और प्लस में सी बाहर है ही वन का डीएक्स। अब इसका इंटीग्रल मैंने आपको बताया ही था, ए हमारा कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा थ्री और नीचे भी हमारे पास थ्री आ जाएगा। प्लस में बी ऐसे है ही, एक्स की पावर यहाँ वन है तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू, फिर से पावर ऐड हो गई है। अब इसी तरीके से प्लस में सी वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो एक्स ही आता है और यहाँ सी ऑलरेडी आ चुका है तो अबकी बार कॉन्स्टेंट सी वन ले लेते हैं तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे बस हमारे बेसिक से फॉर्मूले यूज होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी टैब जो है वहां पे पोस्ट करके बता दिया था कि भाई ये सारे फॉर्मूले प्लीज 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 याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तब वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि रटे जाओ, क्वेश्चन करो प्रैक्टिस करो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ यहाँ हुआ क्या है, जब x की पावर n का इंटीग्रल करते हैं मैंने आपको बताया था x की पावर n प्लस में वन पावर में एक ऐड हो जाता है और यही पावर नीचे एक ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से अब ये तो x की पावर n के अंदर ही आ गया, यहाँ पावर वन है यहाँ टू है और आपको बताया था अगर इंटीग्रल करोगे वन का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो आपके पास वैल्यू एक्स ही आती है। ठीक है, तो कर दिया ये हमने और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर भी हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन जो है उसको सेपरेट कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है उसको सेपरेट कर देंगे, तो 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब आपको पता है ये कि आपको बता ही चुका है, मैंने आपको बार बार बता देती हूँ ताकि आपको भी याद रहे, जब x की पावर n का इंटीग्रल करते हो क्या वैल्यू आती है, x की पावर, पावर में एक ऐड हो जाता है, नीचे भी वो पावर आ जाती है, एक ऐड हो जाता है, और अगर आप इंटीग्रल करते हो e की पावर ए एक्स का तो वैल्यू आती है e की पावर ए एक्स डिवाइड में a। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में e की पावर x अपॉन में 1 जो यही रहेगा प्लस में c हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का, इस तरीके से एवलेट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन यकीन मानो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको करेंगे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई। यहां पे दे रखी है अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर, आई थिंक ये माइनस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कंसिडर करना, ठीक है, प्लस नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a माइनस में b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, जहां पे a की वैल्यू है अंडर रूट एक्स और हमारे पास b की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो लगा देते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पे माइनस है क्योंकि प्लस नहीं था वो माइनस कर दिया था बाद में, माइनस में 2 इंटू में a हमारा अंडर रूट एक्स और b हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे कैंसल और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो dx लगा देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यानी x प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा माइनस में 2 और इसके पूरे का dx। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल दिखाई दे रहा है इसको बस सेपरेट करना है, तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स का डी एक्स माइनस में 2 कॉन्स्टेंट है 1 डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में लॉग मॉड ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2x और प्लस में c आपका कॉन्स्टेंट, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से आपको पता ही है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n का बता चुकी हूं मैं आपको बार बार कि x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1, और इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ अगर 1 अपॉन में x करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वैल्यू आएगी लॉग मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, कर लेना भाई इनको एक बार रिवाइज, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है 11th क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एवलेट करना है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी अब थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये जो डिवाइड कर रही है हरके को कर रहा है तो हरके के साथ सेपरेट कर देते हैं, प्लस में 5x का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में x का स्क्वायर और इस पूरे का dx, हमें यही करना है ना क्वेश्चन के अंदर, वैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं ताकि जल्दी सॉल्व कर दे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस में 5 माइनस में 4x की पावर माइनस 2, हमने ये जो x स्क्वायर था इसको ऊपर भेज दिया तो ये x की पावर माइनस 2 बन गया। अब इस पूरे का हमें करना है dx, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस में 5 कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं 1 dx, माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं x की पावर माइनस 2 dx। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 है यानी 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 और प्लस में 5 है, ये जो 1 है इसका हमारे पास dx यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल आता है x, और माइनस में 4 है ये x की पावर माइनस 2 प्लस में 1 डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस में 1 और प्लस में c भाई हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये सारा बेसिक में, आपको अगर आपको बेसिक अच्छे से समझना है ना तो आप वीडियो देख सकते हैं, इसके फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है ना यानी इसे फर्स्ट जो हमने किया है वीडियो में वो आप समझ सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 5x माइनस में 4x की पावर माइनस 1 और डिवाइड में माइनस 1 प्लस में c, ये माइनस से माइनस कैंसिल होके बन जाएगा प्लस यानी x स्क्वायर अपॉन में 2
प्लस में 5x प्लस में 4 और ये जो x की पावर माइनस 1 है इसको नीचे लिख देते हैं प्लस में c। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। देयरफोर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² का जब विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू आई x² अपॉन में 2 प्लस में 4 अपॉन में x प्लस में 5x प्लस में c। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा हो और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये सच्ची में अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी करके बता सकते हैं आपको अच्छा लगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, और शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हमेशा खुश रहना है। ठीक है, सारा जो हमारे पास टेंशन है वो नहीं लेनी है, सारा का सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ओके, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।